नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिवानी। कैबिनेट मंत्री लेसी सिंह का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी बात कही है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि बीजेपी पर्दे के पीछे रह के षड्यंत्र रचने का काम करती है। आपको बता दें कि बीजेपी जाति गणना नहीं करवाना चाहती थी, बस मुंह पर चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और पीठ पीछे षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि लेसी सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पर्दे के पीछे रह के षड्यंत्र रचते हैं और सोचते हैं कि नीतीश कुमार इसमें इस उनके जाल में फंस जाएंगे। नीतीश कुमार सभी को बराबर का हक देते हैं और इसीलिए वो महान है। पहले सुनिए लेसी सिंह ने क्या कुछ कहा। देखिए, सरकार जो अपना पक्ष रखना था, सरकार ने मजबूती के साथ पक्ष रखा है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं और कानून का सम्मान करते हैं। रही जहाँ तक बात की जाति आधारित गणना का, तो सभी बिहार के सभी दल के नेताओं की सहमति से शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे। उसके बाद उन्होंने भी सहमति जताई थी कि आप अपना जाति आधारित सर्वेक्षण यानी गणना कराइए, और ये विधि सम्मत करा रहे थे, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये उद्देश्य था कि जो जिस भी जाति के बिहार में रहने वाले लोग हैं उनका एक सही आंकड़ा आ जाए, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, ताकि उन जातियों के लिए एक योजना बना के उनको आगे बढ़ाया जा सके। ये पहले आंकड़ा आ जाता, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हो, पिछड़ी वर्ग के लोग हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हो, विभिन्न जातियों का एक सरकार का, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का यही उद्देश्य था। ये लोगों के, जनता के हित के लिए किया जा रहा था। बीजेपी कर रही है कि वोट बैंक के लिए किया गया है, जो लवाजू में थे, इसलिए बिहार में अगला पड़ाव पिछला कराना चाहते हैं। नहीं, ये सरकार का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने 17 वर्षों से अधिक सेवा करने का मौका दिया है। इसमें कहीं से कोई भी काम बिहार की जनता के हित के लिए किए जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई राजनीतिकरण का मामला ही नहीं है। तो पहले तो गए थे, उसी समय प्रधानमंत्री जी से जब मिलने गए थे सभी दल के नेतागण शिष्टमंडल के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ शिष्टमंडल में सभी दल के नेता थे, सभी ने विधानसभा में सहमति दी, सभी ने प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी बातें रखी, तो उस समय ही विरोध कर देते, अभी करने का क्या उचित है। राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कर रहे हैं, हम लोग और हमारे नेता मुख्यमंत्री और जो हमारे महागठबंधन के नेता हैं वो नहीं कर रहे हैं। मैडम, एक सवाल है, आप जो क्योंकि महिला है, 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही थी बीजेपी लोकसभा में भी और अन्य जगहों पर भी, लगता है कि मौजूदा समय में वो वादा निभा जाएगा? 33% जो देश भर की महिलाओं का मांग है वो जरूर देंगे, बिहार में तो करके दिखाया। आप तुलना करती है नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार की, क्या तुलना करने में भारी पड़ता है नीतीश कुमार, आपको दिखता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक संकल्प है जो देश में अभी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो तानाशाह है, और जो देश भर में जो बेरोजगारी है, गरीबी है, जो हर तरह के मध्यम वर्गीय और जो गरीब लोगों के हर तरह के खाने पीने की चीज़ों में जो टैक्स लगाया गया है, इससे त्रस्त है, तो जन भावना को देखते हुए हमारे नेता ने मुहिम चलाया है और सभी विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने का संकल्प लिए हैं, मुहिम चला रहे हैं, उस अभियान में लगे हुए हैं। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी उड़ीसा गए हुए हैं, पहले भी पश्चिम बंगाल माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विभिन्न जो विपक्षी दल हैं उनको एकजुट कर रहे हैं, ताकि जो लोगों की जनभावना है, जो लोगों को लोगों के मन में जो आक्रोश है,
उनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़े हैं और जरूर सफल हों। उसे विपक्षी एकजुटता उस एकजुट करने में, एक प्लेटफॉर्म पर लाने में जरूर सफल हों। बीजेपी क्या उससे हम लोग आशा रखते हैं, वो अच्छा कहेंगे हम लोग का, कुछ भी अच्छा काम होगा तो उसमें गड़बड़ी गिनाएंगे। वो अपना काम करे, जो जनता की आवाज़ को समझ के हमारे नेता जिस मुहिम में लगे हुए हैं और ये जो मुहिम के अभियान चला रहे हैं एकजुट करने का विपक्ष को, उस मुहिम में सफल होंगे, 2024 में दिखेगा। लेसी सिंह से जब सवाल पूछा गया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ कहा किया जा रहा है, क्योंकि पहले अगर देखिए राजद कोटे से लेसी सिंह का नाम बहुत आता है, इस बीच में महिलाओं की सुरक्षा और जिम्मेदारी को लेकर अक्सर वो बोलती आती हैं, ऐसे में उन्होंने कहा कि हम पहले भी काम करते थे महिलाओं के लिए और अभी भी आज भी और उन्हीं के नक्शे कदम पर यानी महिलाओं के लिए हम आगे काम करते रहेंगे। आपको बताया था कि उन्होंने कहा कि मैं भी एक महिला हूँ और इससे लिए मेरा एक दायित्व बनता है कि बिहार में जितनी भी महिला हैं वो सुरक्षित रहे, सशक्त रहे, और ये बड़ी बात है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बिहार में बीजेपी का अस्तित्व अब खत्म होने के कगार पे है, इसलिए वो बेचैन हो गए हैं। आपको बता दें उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि बीजेपी षड्यंत्र जितना भी रच ले नीतीश कुमार झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर आपको बताएं कि बिहार के मुखिया सभी को बराबर का हक देते हैं, और ये बड़ी बात लेसी सिंह ने कहते हुए आगे यही कहा कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो सब बिहार में भाजपा को ख़त्म कर सकते हैं, पर वो भी कहीं ना कहीं बिहार को पहले यूँ कहें तो बीजेपी को पहले मानते थे और इसलिए उनके साथ काम किए हैं, तो एक उनके साथ संवेदना है। पर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में बीजेपी का अस्तित्व ख़त्म करेंगे, क्योंकि बीजेपी बिहार को पीछे ढकेलने का काम की थी और इस वजह से बिहार कभी प्रगति पर नहीं आया। केंद्र में बैठे मौजूद लोग बिहार के लिए कभी सोचते नहीं है। ऐसे में आपको बताया लेसी सिंह लगातार कहीं ना कहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर बीजेपी पर करारा हमला बोली है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही, बने हमारे चैनल की वीडियोस के साथ। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपना कमेंट जरूर दें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।